और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आज कहा कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध है और लोग पुराने नोट जमा करने के लिए जल्दबाजी ना करें क्योंकि इसके लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 2 लाख ATM को नए नोट के लिहाज से व्यवस्थित करने में करीब 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। मोदी सरकार के 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले के साथ ही बाजार में मौजूद करीब 86% नकदी बाहर हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस 86% मुद्रा को बदलने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पुराने नोटों को जमा करने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि इसके लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा भीड़ छटेगी और इसलिए आप आएंगे तो थोड़ी आपको सुविधा भी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 500 और 1000 के पुराने नोट के चलन को खत्म करने के फैसले से लघु अवधि में अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां आएंगी लेकिन एक बार नई मुद्रा के उपलब्ध होने पर इसके लाभ कहीं अधिक होंगे। अरुण जेटली ने साफ किया है कि रिजर्व बैंक और बैंकों के पास पर्याप्त मुद्रा है। उन्होंने कहा कि नए 2000 और 500 के नोटों के लिए 2 लाख ATM को व्यवस्थित करने में अभी 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। 2 लाख मशीनों को जो ATM मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती और इसलिए अभी तक अधिकतर 100 रुपए वाले ही करेंसी इसमें मिलती है। जो बड़ी मात्रा की करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में बैंक्स में है, जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उनको बहुत सरलता से मिल सकती है। कई जगह छापे पड़ने की खबर को गलत बताते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया कि सिर्फ चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा में किए गए सौदों का ब्यौरा मांगा गया है। जनधन खातों के दुरुपयोग की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की जांच करेंगे। इफ एनीबॉडी इंडल्जेस इन एनी फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर अनलॉफुल एक्टिविटी द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू टेक इट अप एंड देयरफॉर टुडे आर एनर्जी इज रियली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन making sure that the replacement takes place smoothly and quickly because we want to minimize that inconvenience. गौरतलब है कि इस फैसले के ऐलान के बाद शनिवार को दोपहर 12:15 बजे तक अकेले SBI में 47,868 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सभी बैंकों की कुल अनुमानित जमा राशि 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक कर्मचारियों और आम जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस माहौल में सब बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।